मधेपुरा सीमापुरी नशे की गिरफ्त में है, हालात बिगड़ चुके हैं। जिस उम्र में बच्चों को स्कूल जाना था, खेलना कूदना था, उस उम्र में बच्चे गांजा ले रहे हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये सच्चाई है सीमापुरी की। इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनकी उम्र महज 7 साल की है। ड्रग्स की जब भी बात होती है तो सबसे पहले पंजाब का जिक्र होता है। ड्रग्स एक ऐसा नाम जिस पर उड़ता पंजाब की फिल्म बन चुकी है और नेताओं ने पंजाब का चुनाव ड्रग्स के मुद्दे पर ही लड़ा। लेकिन शायद ही कम लोगों को पता होगा कि दिल्ली में भी उड़ता पंजाब जैसी ही एक जगह है। नाम है उत्तर पूर्वी दिल्ली का सीमापुरी इलाका, जहाँ ड्रग्स की उड़ान इतनी ऊँची पहुँच चुकी है कि सीमापुरी को उड़ता सीमापुरी कहा जा सकता है। यहाँ दो सीमापुरी हैं, एक नई सीमापुरी और दूसरा पुरानी सीमापुरी। यूं तो दोनों ही सीमापुरी ड्रग्स की भयंकर चपेट में है, लेकिन नई सीमापुरी की हालत ज्यादा खराब है। नई सीमापुरी में 91% से ज्यादा बच्चे ड्रग्स का शिकार हो चुके हैं। एक बात का खुलासा SPYM नाम के एक NGO की ताजा रिपोर्ट से हुआ है। जून महीने में सीमापुरी के 1414 बच्चों के बीच किए गए सर्वे से पता चला कि सीमापुरी के करीब 90.10% बच्चे ड्रग्स का शिकार हो चुके हैं जिनकी उम्र 7 साल तक है, जबकि पुरानी सीमापुरी में यह आंकड़ा 69.65% का है। ये जो सर्वे हुआ है ये पिछले महीने जून में किया गया है, जिसमें मतलब कि 9 टीम बच्चों की आई थी, स्टूडेंट्स की, जो DLSS के स्टूडेंट्स थे। और ये नई सीमापुरी और पुरानी सीमापुरी में किया गया था, जिसमें हमारी फाइंडिंग्स ये रहीं कि कम से कम 91% बच्चे जो हैं इस नशे के शिकार हैं। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादातर बहुत छोटे हैं। जो कारण निकल के आए हैं बच्चों के नशा करने के, वो है एक तो पीयर प्रेशर, दूसरा है परिवार जो करता है, या परिवार के मेंबर्स में जो बच्चे करते हुए देखते हैं उनको फिर वो सीखते हैं, तीसरा है आपका जो एनवायरनमेंट। जैसे कि आप जानते हैं सीमापुरी पूरा हब है नशे का, और यहाँ पे नशा आसानी से सप्लाई होता है यहाँ पे। अगर सप्लाई ख़त्म हो जाए तो फिर एक तरह से अप्लाई भी ख़त्म हो सकता है बच्चों का। तो यही मेन रीज़न है, मतलब कि यहाँ पे नशा आना आसानी से मिल जाता है और बच्चे नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। इस रिपोर्ट में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर जो दूसरा आंकड़ा सामने आया वो भी कम चौंकाने वाला नहीं। नई सीमापुरी के 90% से ज्यादा बच्चे जो ड्रग्स लेते हैं, उनमें से 45.87% बच्चे कई तरह के ड्रग्स की लत के शिकार हैं। 17.37% गांजा, 8.35% बच्चे फूट यानी कि सूंघने वाला नशा, 7.59% स्मैक और 8.35% बच्चे सिगरेट या तंबाकू की लत का शिकार हो चुके हैं। जी, बेसिकली यहाँ पे जो ज़्यादातर आजकल बच्चे जो नशा कर रहे हैं वो सोल्यूशन का नशा होता है, जिसको आप कहेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एक ऐसा पदार्थ होता है या ऐसी वस्तु होती है जिसको पंचर ट्यूब के लिए यूज़ किया जाता है। जब साइकिल पंचर हो जाती है तो वहाँ पे वो लगाया जाता है। पर उसी चीज़ को जब बच्चा कपड़े में लगा कर उसको सोखता है अंदर की तरफ, तो डायरेक्ट उसको बहुत अच्छी तरीके से नशा मिलता है, हाई मिलती है उसको, नशे की फीलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर ये नशा बहुत ख़तरनाक माना जाता है, इसका डायरेक्ट असर बच्चे के दिमाग में पड़ता है। ये काफ़ी मतलब कि बहुत ही मतलब कि खतरनाक नशा है, जो कि आजकल सीमापुरी में देखने को आपको मिल जाएगा। सर्वे में जब सीमापुरी के बच्चों की ड्रग्स की लत की वजह को जानने की कोशिश की गई तो रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी सीमापुरी में बच्चों के ड्रग्स लेने की सबसे बड़ी वजह दोस्तों के ग्रुप का प्रेशर है। पुरानी सीमापुरी में ड्रग्स के शिकार बच्चों में से 60.9% बच्चे अपने साथियों के दबाव में ड्रग्स का शिकार हो गए, जबकि नई सीमापुरी में 37.45% बच्चों को ड्रग्स के दलदल में फंसाने के लिए दोस्तों का दबाव जिम्मेदार पाया गया। वहीं सीमापुरी को उड़ता सीमापुरी बनाने में बच्चों के घर का बैकग्राउंड भी कुछ कम जिम्मेदार नहीं। सर्वे के मुताबिक जब बच्चों से सवाल पूछा गया कि क्या उनके घर में कोई ड्रग्स लेता है, तो नई सीमापुरी के 40.31% और पुरानी सीमापुरी के 32.5% बच्चों ने इस बात को माना कि उनके घर का कोई ना कोई सदस्य ड्रग्स की लत का शिकार है। दिन तो नहीं बताऊंगा, मैं ये कहूंगा कि बहुत सालों से ये मतलब कि इस चेन पूरी चल रही है। बच्चा सुबह उठता है, कट्टा लेकर गुजरता है, पूरे एरिया में पूरा सोचता है, ढूंढता है, घूमता है, कूड़ा उठाता है, फिर वो आता है, कूड़े वाले को बेचता है, फिर उन पैसों से नशा करता है, फिर वही चक्कर उसका सुबह से मतलब कि शाम तक शुरू हो जाता है। ड्रग्स का शिकार हुए ज्यादातर बच्चे ड्रग्स के दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि सीमापुरी में दिल्ली सरकार की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र जैसी कोई सुविधा ना होने के चलते उड़ता सीमापुरी में बच्चे चाहकर भी ड्रग्स के जाल से खुद को आजाद नहीं करा पा रहे। उम्मीद है
कि हैरान करने वाले और डराने वाले भी इन आंकड़ों के सामने आने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इन आम बच्चों को ड्रग्स से मुक्ति दिलाने के लिए जल्द ही कोई ठोस कदम उठाती नजर आए। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। सवाल यह है कि क्या सरकार अनजान है? क्या सरकार को इस बात की भनक नहीं कि सीमापुरी में किस कदर हालात बिगड़ रहे हैं? क्या सरकार ये जानती नहीं कि कूड़े के ढेर में छिप छिप कर कैसे ड्रग्स ली जा रही है? सीमापुरी को ड्रग्स ने उड़ता सीमापुरी बना दिया है। इस बात से सरकार या तो अनजान है या फिर सब कुछ जानकर अनजान बन गई है। लेकिन सीमापुरी उड़ता सीमापुरी कैसे बना, इससे सीमापुरी का हर इंसान वाकिफ है। सीमापुरी में ड्रग्स के फैलते जाल का राज कूड़े के ढेर में छिपा हुआ है। जैसे सीमापुरी के हर घर में ड्रग्स की कोई ना कोई कहानी है, वैसे ही हर घर के बाहर कूड़े के बड़े बड़े गट्ठर नजर आते हैं। दरअसल बच्चों के लिए ये कूड़ा ही ड्रग्स का इंतजाम करने का जरिया है। सीमापुरी के ज्यादातर बच्चे दिन भर पहले कूड़ा बीनते हैं और फिर उस कूड़े की कमाई से ड्रग्स की खरीदारी। सीमापुरी में सब जानते हैं कि कूड़ा उनके बच्चों का बचपन बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो फिर भी इस कूड़े से छुटकारा नहीं चाहते। इसलिए जो कूड़ा उनके घर को फूंक रहा है, वही कूड़ा इनका घर भी चलाता है। नई सीमापुरी में ज्यादातर लोग कूड़े के जरिए ही अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। मतलब अगर कोई इंसान सीमापुरी में रह रहा है और अगर वो छोड़ना चाह रहा है नशा, तो यहाँ नहीं छोड़ पाएगा, यहाँ नहीं छोड़ पाएगा। फिलहाल इस कॉलोनी में नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि इस कॉलोनी में ऐसा है जैसे आपने नशा छोड़ दिया तो यहाँ की संगत है ना, जो यारी दोस्ती है, वो दो दिन मना करेगा, तीन दिन मना करेगा, फिर वो देख देख के वो खुद करने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कूड़े ने ही सीमापुरी को उड़ता सीमापुरी बनाया हो। पुलिस और सरकार भी सीमापुरी के बच्चों की ऐसी हालत के लिए बराबर जिम्मेदार है। एक तरफ बच्चों के हाथों में ड्रग्स पहुंचने के लिए नशे के सौदागरों को दिल्ली पुलिस का संरक्षण हासिल है, तो दिल्ली सरकार की बेरुखी भी सीमापुरी की बर्बादी के लिए बराबर की कसूरवार है। लोग बड़े तल्ख अंदाज में सरकार से तीखा सवाल पूछते हैं कि जिस दिल्ली सरकार को उड़ता पंजाब नजर आ गया, उसी दिल्ली सरकार को उड़ता सीमापुरी क्यों नजर नहीं आया? यहाँ के देखो नेता जो देखो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं और जो यहाँ के सब जो भी कर्मचारी जो इतने भी होंगे, वो कभी देखो आम पब्लिक के और कभी आसपास के जो लोकल कॉलोनी में जो है, लोकल कॉलोनी है कि तो उसमें कभी इस चीज़ को कभी गौर नहीं किया उन्होंने। यानी अगल बगल में अगर वो नेता इधर से गुजरता वो भी अगर निकल जाए तो अगर वो बगल में बैठ के अगर नशा कर रहा है बच्चा वो, तो उसके बारे में कंप्लेंट नहीं, कोई कुछ नहीं कि इस चीज़ को सुधारा जाए और इस चीज़ की कंप्लेंट कभी किसी एक थाने में करी जाए, कभी ऐसे कोई सुनवाई नहीं करी गई। ये एक हमेशा एक नेता की एक हमेशा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ड्रग्स सिर्फ बच्चों का ही बचपन बर्बाद नहीं कर रहा, ड्रग्स ने सीमापुरी के आम लोगों की जिंदगी को भी डर के साए में दुबकने को मजबूर कर दिया है। सीमापुरी में ड्रग्स लेने वालों की सुबह शाम ऐसा आतंक होता है कि लोगों को अपने घर से निकलने में भी डर लगता है। ड्रग्स के शिकार लोगों के लिए किसी भी राहगीर के साथ लूटपाट करने और ब्लेड मारना आम बात है। यहाँ पे जितने नशेड़ी आते हैं, कोई इंजेक्शन, कोई डॉक्टर और सामान जो भी होता है, कोई रात को निकलता बढ़ता तो सामान छीन लेते हैं। रोज चोरी चकार यहाँ पे होती है, ये पूरा डी ब्लॉक, ये पूरे रोड पे छीना झपटी होती है और पुलिस वाले भी जो होते हैं वो भी समझ लो मिले। कब इन नशेड़ी लोगों का जमावड़ा लगता है? इनका लगता है रात को 8 बजे, शाम के टाइम 7 बजे, सब खट्टे यहीं पर हो जाते हैं। जाहिर है चाहे पुलिस हो या सरकार या फिर कूड़ा, सबने मिलकर सीमापुरी को उड़ता सीमापुरी बनाया है। अगर उड़ता सीमापुरी को फिर से सीमापुरी बनाना है तो फिर सबको मिलकर इस मुश्किल काम को आसान बनाना होगा। कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। हमारे रिपोर्टर कुलदीप शर्मा ने सीमापुरी की पड़ताल की, वो उस जगह पहुंचे जहां ये ड्रग्स मिल रहा है। आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या जाता है ड्रग्स का काला कारोबार। नई सीमापुरी और पुरानी सीमापुरी में से नई सीमापुरी के हालात नशे को लेकर ज़्यादा ख़राब है। नई सीमापुरी में दो चीज़ें बेहद आम हैं जो लगभग हर घर में नज़र आती है, एक कबाड़ और दूसरा नशे का जाल। इस वक्त हम नई सीमापुरी के एक ऐसे पॉइंट पर मौजूद है जहां पर सुबह शाम जो ड्रग्स लेने वाले लोग हैं उनका जमावड़ा लगता है। और ये जो जगह है आम लोगों के लिए इतनी अनसेफ है कि जब वो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं तो लोग इस रास्ते से गुजरने से भी कतराते हैं। किस तरीके से कदम कदम पर नई सीमापुरी में ड्रग्स का जो काम है, जो ड्रग्स का जाल है वो फैला हुआ है, उसके निशान हमको कदम कदम पर नज़र आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि
यहाँ पर वो इंजेक्शन है जिसको ड्रग्स के तौर पर जो नशे के शिकार लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर खाली शीशियाँ पड़ी हुई है। दो तरीके की, एक तरीके की दवाई होती है ये, जिसमें से एक का नाम एविल होता है और दूसरा एक इस तरीके का छोटा सा इंजेक्शन होता है, और इन दोनों का मिक्सअप करके जो है वो ड्रग्स तैयार हो जाता है जो इनको नशे की गिरफ्त में लेकर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये जगह है खाली शीशियों से भरी हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर नई सीमापुरी जो है ड्रग्स के जंजाल में, ड्रग्स के इस जाल में फंस चुका है। खाली जो सिरिंज है वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको पड़ी हुई नज़र आ सकती है, और सीमापुरी में घुसकर एक अजीब सा ही एहसास होता है, एक अजीब सी ही फीलिंग आती है, और ऐसा लगता है नई सीमापुरी के तमाम लोगों को देखकर कि शायद हर आदमी के पास ड्रग्स से जुड़ी हुई, नशे से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ कहानी है, और उनके चेहरे भी सारी कहानी बयां करते हैं कि किस तरीके से नई सीमापुरी को ड्रग्स ने अपने जाल में फंसा लिया है। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़।